हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेयर स्टाइलिंग की वीडियो। ऐसे 3 हेयर स्टाइल आपको बनाना बताऊंगी जो आप 2 मिनट में बना सकते हैं और खुद अपने बालों में इजीली आप उन्हें बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके हेयर शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, मीडियम हो, जैसी भी लेंथ हो, इनमें ये हेयर स्टाइल बहुत ही आसानी से बन सकते हैं और लगते भी बहुत ही प्यारे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। तो इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए होंगी पिंस और रबर बैंड यानी पोनी। तो सबसे पहले इस तरह से सेंटर पार्टिंग कर लेंगे और फिर इस तरह से एक सेक्शन उठा लेंगे और इसकी हमें बनानी है ब्रेड लाइक दिस। नॉर्मली जो ब्रेड हम लोग बनाते हैं वो ऊपर की तरफ टर्न करते हैं, लेकिन इसे हमें नीचे की तरफ टर्न करना है। नीचे की तरफ हम इसे क्यों टर्न करेंगे ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो इससे क्या होगा, ब्रेड की लुक ओवरऑल बहुत ही प्यारी लगेगी। तो इसी तरह से आपने पूरी ब्रेड बना लेनी है। ये देखें, अब इसे रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। तो अब इसी ब्रेड को हम थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे जिससे ब्रेड और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है और हेयर स्टाइल बहुत बहुत प्यारा लगता है। ये स्टाइलिंग करते हुए आप जब भी ब्रेड बनाएं तो आप एक दफा इस तरह से उसे थोड़ा सा लूज करके देखें तो आप देखेंगे कि आपका पूरा हेयर स्टाइल इसकी वजह से चेंज हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। कभी भी ब्रेड को आप इस तरह से सिंपल मत छोड़ा करें, उसे थोड़ा सा लूज जरूर कर लिया करें। देखें, इसे इस तरह से लूज कर लिया है और ये पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो अब दूसरे साइड से भी इसी तरह से ब्रेड बना लूंगी। फ्रंट से इस तरह से थोड़े से बाल रहने दें। तो जिन लोगों के फ्रंट पर बाल कम होते हैं तो उन्हें भी ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा सूट करेगा। आप शादी पर, ईद पर या फिर बर्थडे पार्टीज पर भी ये हेयर स्टाइल आराम से बना सकती हैं। आप खुद घर में इजीली ये बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत एलिगेंट लगता है। मेकअप करने के बाद हमारी पूरी लुक जो होती है वो हेयर स्टाइल की वजह से आती है। आप चाहें तो ये हेयर स्टाइल इसी तरह से भी छोड़ सकती हैं। बच्चों के साथ इस तरह से हेयर स्टाइल बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको ओपन हेयर स्टाइल चाहिए हो तो आप ब्रेड को इसी तरह से भी रहने दे सकती हैं। ये यूं भी बहुत ही प्यारी लगती है। चाहे तो इसमें छोटे छोटे पर्ल्स भी लगा सकती हैं, तब भी ये बहुत प्यारा लगता है। और इसे चाहे तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। बच्चों के साथ तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इसी हेयर स्टाइल को आप सेकंड हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं वो भी आपको बताती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बिल्कुल चेंज लगता है। और अगर चाहें तो इस तरह से पिनअप भी कर सकती हैं। बैक पर ले जाकर इस तरह से एक बार्बी पिन से इसे सिक्योर कर देंगी। ये देखें कुछ इस तरह से। इस तरह से भी ये ज़्यादा ही प्यारा लगता है। दोनों साइड से पिनअप कर लेंगे। ये हेयर स्टाइल मेहंदी वगैरह पर भी बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से टाई करने के बाद बैक पर फ्लावर्स वगैरह भी लगा सकते हैं और जो फ्रंट पर बाल हैं इन्हें कर्ल कर सकते हैं। एक करके दिखाती हूँ, मैं इसे स्ट्रेटनर से कर्ल कर रही हूँ। आपका हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने किस तरह का बनाया हुआ है। अगर आप बिल्कुल सिंपल सा भी रेडी होते हैं और हेयर स्टाइल प्यारा सा बना लेते हैं तो ओवरऑल आपकी लुक बहुत ही प्यारी हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप इसके लिए हैवी स्टाइलिंग करें, इस तरह से ब्रेड बना लें या फिर स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट कर लें अपने बालों को, तो तभी प्यारा लगता है। तो चलिए जी, ये देखें, ये सिंपल सा हेयर स्टाइल है बट बहुत ही क्यूट लगता है। आप इसे जरूर जरूर इस तरह से बनाएं। आपका हेयर स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा डिफाइन करता है। सो मेक श्योर कि आपका हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा होना चाहिए। तो अब हम बना लेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो 1 मिनट में ही बन जाएगा। तो इसके लिए भी सेंटर पार्टिंग कर लेंगे और इस तरह से बालों का सेक्शन निकाल लेंगे और फिर इसे करना है बस ट्विस्ट। थोड़े थोड़े बाल लेते जाएंगे और इसे ट्विस्ट करते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जो नीचे वाले बाल हैं वो भी साथ ही मिक्स हो जाएंगे तो आप इन्हें इस तरह से किसी कैचर से सिक्योर कर सकते हैं और फिर इजीली ट्विस्ट करते जाएं। तो ये देखें, अब मैं यहाँ रबर बैंड से इसे सिक्योर कर लूंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। साथ में थोड़े से बाल यहाँ से उठाकर रबर बैंड से इस तरह से सिक्योर करूंगी। अब दूसरे साइड से भी इसी तरह से कर लूंगी। छोटा सा सेक्शन उठाना है और ट्विस्ट करना है और साथ ही छोटे छोटे सेक्शन उठाते जाएं और मिक्सअप करते जाएं।
ट्विस्ट ट्विस्ट सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हर कोई इसे बना सकता है। एक से दो दफा आप इसे बनाएंगे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद इसे इजीली बना सकेंगे। तो ये रही जी फाइनल लुक। चाहे तो इसे स्ट्रेट रहने दें या फिर आप इन्हें भी लूज कर्ल कर लें, स्ट्रेटनर से ही कर्ल कर लें, बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला सी यू सून विद न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।